हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 के नए अपडेट में हम अपनी एप्लीकेशंस को इजीली लॉक कर सकते हैं, बट आईफोन 6s और आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस पे हम अपनी एप्लीकेशंस को कैसे लॉक लगा सकते हैं। अगर आप सभी भी आईफोन 7 को 2024 में यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए होने वाली है। सो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आप अपनी एप्लीकेशंस को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डे टू डे रूटीन में, उनको आप लॉक लगा सकते हो। चाहे वो आपकी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो आपके आईफोन की इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं। सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कौन सा iOS वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आईफोन 7 पे। 15.8.1 का ये नया स्टेबल अपडेट है। अगर आपको ये अपडेट रिसीव नहीं हुआ है तो मेक श्योर रखें कि अपने वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट करें और सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाएं और चेक फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर टैप करें, आपको ये जो नया अपडेट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब आपको सेटिंग्स को ओपन करना है अपनी एप्लीकेशंस को लॉक करने के लिए और स्क्रीन टाइम के ऊपर टैप करो। सबसे पहले आपको एक स्क्रीन टाइम का पासकोड सेटअप करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा तो मैंने ऑलरेडी एक पासकोड क्रिएट कर रखा है। आपको यहाँ से स्क्रीन टाइम के पासकोड को सेटअप कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप लिमिट के ऊपर टैप करना है। ऐड लिमिट के ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे, जो भी आपने पासकोड क्रिएट करा है स्क्रीन टाइम का, वो आपने एंटर कर देना है। मैंने जस्ट यहाँ पर 1234 जो है इसका पासकोड सेटअप करा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, कैटेगरीज हैं जिनमें आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। क्रिएटिविटी में आप देखोगे कि यहाँ पर 5, 6, 7, 8 एप्लीकेशंस आती हैं। तो इन एप्लीकेशंस में से आप किसी भी ऐप को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन को और साथ में कैमरा की एप्लीकेशन को यहाँ से लॉक कर देना है अपने पासकोड को यूज़ करके। उसके बाद आपको इसे नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर अपने टाइमर को सिलेक्ट करोगे 1 मिनट एवरी डे, मतलब कि आपकी ये जो दोनों एप्लीकेशन हैं जो आपने सिलेक्ट करी हैं वो 1 मिनट के ज़्यादा काम नहीं करेंगी। 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हो ये दो एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट करी हैं और यहाँ पर आपको इसे ऐड के ऊपर टैप कर देना है। आपकी जो लिमिट है अब ऐड हो चुकी है। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट्स रिमेनिंग फॉर फोटोज़ एंड कैमरा टुडे। तो 5 मिनट्स अभी पड़े हैं, 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो फ़ोटोज़ की और कैमरा की एप्लीकेशन है वो यहाँ से लॉक हो जाएगी कम्प्लीटली। आपकी पासकोड को आपको एंटर करना पड़ेगा, फिर ही आप इसे अनलॉक कर पाओगे। तो 5 मिनट्स तक यहाँ पर हम वेट करेंगे। तो 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी दोनों एप्लीकेशंस लॉक होने वाली हैं। आपकी ये दोनों एप्लीकेशंस हैं फेडिंग में आपको शो करेगी, जिसका मतलब यह कि आपकी जो दोनों एप्लीकेशंस हैं वो लॉक हो चुकी हैं। इस तरीके से आप इन मेथड को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हो, अपने पासकोड को यूज़ करके या अपने टच आईडी को यूज़ करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस लिमिट को डिलीट करना है तो सिंपली आपको ऐप लिमिट पे जाना है, स्वाइप करोगे तो डिलीट का ऑप्शन आपको शो कर देगा और आपको यहाँ पर फिर से अपने स्क्रीन टाइम के पासकोड को एंटर करना होगा, फिर आपकी लिमिट यहाँ से डिलीट हो जाती है कुछ इस तरीके से। बट जो आपने एप्लीकेशंस को लॉक लगाया है वो आपका स्क्रीन टाइम का लॉक होगा, आपकी जो आपने पर्सनली लॉक अप्लाई कर रखा है अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर वो लॉक आपको एंटर नहीं करना है अपनी एप्लीकेशंस को अनलॉक करने के लिए। जो आपने स्क्रीन टाइम पे सेटअप करा है उसको ही आपने लॉक को एंटर करना है, फिर ही आप अपनी एप्लीकेशंस को अनलॉक कर पाओगे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग,